बहुओं को और जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं उनको जो है परिवार नियोजन कैसे सीमित हो इस लॉकडाउन में, उसके लिए परामर्श दिया जा रहा है। परिवार हमारी जनसंख्या इस लॉकडाउन के बाद अचानक वृद्धि न कर जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये साधन उपलब्ध करवाया। कोरोना महामारी से ऐसे तो दुनिया भर के लोग परेशान हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान प्रशासन के लोग हैं। अब तक उनकी चिंता बस लोगों को जागरूक करना और कोरोना संक्रमण से बचाना था, लेकिन अब उन्हें चिंता है कि लॉकडाउन के बाद कहीं जनसंख्या बम न फूट जाए। इसी को रोकने के लिए अब घर घर जाकर कॉन्डम के पैकेट फ्री में बांटे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बलिया से सामने आया है। दरअसल बलिया प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घर घर कॉन्डम, गर्भ निरोधक टैबलेट, मालाडी और दूसरे परिवार नियोजन किट बांटने का फैसला किया है। आलम यह है कि अब स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर आशा वर्कर तक सब घर घर परिवार नियोजन किट बांटते नजर आ रहे हैं। आज फैमिली प्लानिंग के बारे में हुआ, क्या बताया गया, क्या आप लोगों को? लॉकडाउन के अंतराल, जैसे कि घर पर सारे हस्बैंड रह रहे हैं, तो इसकी की अंतराल छाया माला एन कंडोम सब वितरण के घर पर रहे, तो ऐसे की परिवार में जैसे जनसंख्या न बढ़े। जानकारों की माने तो लॉकडाउन के बाद जनसंख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की आशंका है, इसलिए प्रशासन इसको लेकर पहले से ही तैयारी में जुट गया है। इस बारे में बलिया के असिस्टेंट सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि कोरोना वायरस से घरों में कैद पति पत्नी के लिए फैमिली प्लानिंग एक मनोरंजन का साधन न बन जाए, इसको लेकर सरकार भी खासी परेशान है। लॉकडाउन में जनसंख्या बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, इसी को लेकर जिले के हर घर में परिवार नियोजन के किट बांटने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन में सभी लोग, परिवार के सभी लोग घर पर ही हैं, कहीं कोई बाहर निकल नहीं रहा है, जो भी उनका मनोरंजन का साधन है वो घर ही पर है। इसके लिए जो है एक अभियान चलाकर आशा बहुओं को और जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं उनको जो है परिवार नियोजन कैसे सीमित हो इस लॉकडाउन में, उसके लिए परामर्श दिया जा रहा है। और जो है उसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, और उसके लिए अगर किसी को ज़रूरत है निरोध और कापटी, तो वो उसको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। पास जो है ये निरोध के किट्स होते हैं, और जो है ये खाने वाली गोली होती है मालाडी, और उसको वो उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या लगता है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जनसंख्या में कुछ वृद्धि होगी, अगर न दिया जाए तो? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये मान कर चला जा रहा है। इसी के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए, किसी को ध्यान में रखते हुए कि परिवार हमारी जनसंख्या इस लॉकडाउन के बाद अचानक वृद्धि न कर जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये साधन उपलब्ध करवाया। बलिया से अनिल अकेला के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।